अग्नेनाय सुपकाराये अस्मायोध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम भुक्तिं विधेम। के लिए आंखें बंद करेंगे और उस परम शक्ति को आप जिस रूप में भी मांगते हैं, जिस नाम से भी उसे पुकारते हैं, उसी रूप में श्रद्धा से उसका स्मरण करते हुए उन दिव्य आत्मा की परम शांति और आनंद के लिए भगवान। ओम आयंतायत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्य स्ववर्धस्व चेद्धावर्धाय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। जात वेदस्ते इदं नमः। ओम आयंतायत्म आत्मा जात वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि लिप्यते नरे स्वाहा। हेन तमसा वृताः कांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्तु जनाः स्वाहा। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः यतः स्वाहा। ओम विद्यां च यस्तद्वेदो भयं स्थित्वा विद्यया अमृतमश्नुते स्वाहा। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते स्वाहा। ओम मिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं यो सावादित्ये पुरुषस्तु सावहम्। ओम नाय स्वाहा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा। कितना भी सोचो उत्तर सिर्फ दो होंगे, सिर्फ दो आंसर, तीसरा उत्तर कोई हो नहीं सकता। जब भी तुम ये सोचोगे और ये जानना चाहोगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उत्तर दो ही मिलेंगे। या तो तुम हम पैदा हुए थे, हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस शरीर के साथ ही शुरू हुई थी और शरीर के साथ ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई आत्मा वात्मा जैसी चीज नहीं। या फिर तुम ये मानोगे कि नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग हमारा अस्तित्व है और शरीर के खत्म होने के बाद भी हम रहेंगे, आत्मा जैसा तत्व नष्ट नहीं होगा, शरीर के बाद भी उसका ही था। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, शरीर बदलता रहा, नष्ट होने के बाद भी रहेगी। तो अगर ये एहसास मन में आता है कि वो है तो फिर हमारा दुख कम हो जाता है, शोक समाप्त हो जाता है। जैसे आपका बेटा, आपका भाई, बेटी, कोई भी अपना पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हो, बहुत लंबे समय तक वहां रहेगा, पढ़ाई पूरी करेगा और फिर संभावना यह है शायद वहीं सेटल हो जाए, और आपकी मौजूदगी से उनको और परिवार के सब लोगों को बहुत ताकत मिली है, बल मिला है, बहुत बहुत आभार। श्री ओम पुरी जी हमारे बड़े भाई की तरह, उनके साथ जब जब मिले हैं कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी आर्टिस्ट से मिल रहे हैं जो सारी दुनिया में एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिसने अभिनय को हीरो बनाया है, जिसको लोग ये कहते हैं कि अपने अभिनय से वो फिल्म का हीरो बन जाता है जितने भी आर्टिस्ट हैं उसके अलावा।
मैंने उनको काम करते हुए भी देखा है और मैंने उन्हें घर में एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह मजे करते हुए भी देखा है। दोनों कामों में सिंसेरिटी, जब साधारण परिवार के सदस्य की तरह रहना है तो वैसे ही है, वो चीज कहीं छुई भी नहीं है उस वक्त कि संसार के जाने माने कलाकार है। हमारे घर आते थे तो किचन में पहुंच जाते थे और हमारे कुक को कहते थे, वो तुमने पिछली बार जो सब्जी बनाई थी बड़ी अच्छी थी, वो जरा बना दो। फोन करते थे कि वो बनाना मैं आ रहा हूं। ये सब तभी संभव है जब मनुष्य अपनी योग्यता को परे रखता है, भूल जाता है कि वो सब साथ में लेके क्या चल रहा। उन सब चीजों को साथ लेके चलो तो बड़ी तकलीफ होती है। हम लोग अगर मुट्ठी बांधेंगे ये मेरा घर है और जोर से जकड़ लेंगे, ये मेरी जमीन है और जोर से जकड़ लेंगे, ये मेरी और दूसरी प्रॉपर्टी है, तो हाथ में दर्द होने लगता है, जकड़ के छोड़ दीजिए कितना आराम होता, कितना अच्छा लगने लगता, हाथ रिलैक्स हो जाता। मतलब इन चीजों का जो बंधन है हम इसको जकड़ के जो रखते हैं बस वही चीजें तकलीफ देती। तो वो जो सरलता थी वो हमें उनसे जरूर सीखनी चाहिए। और मैं वही उनमें देखा करता था बैठे क्या कैसे ये इस तरह किस तरह आसानी से हर चीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जब अभिनय करने लगते थे तो लगता था भाई इसका तो कोई पार ही नहीं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी हानि है जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अभी भी हमें तो महसूस नहीं होता है कि वो चले गए। हमारे घर में रोज हमारा घर का जो स्टाफ है वो उनकी बातें करता रहता है, कैसे आ जाते थे, अभी नहीं आएंगे वहां के बाद। एक मैं उनको शब्द सुनाता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था, मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता। साधो मन का मान त्याग, साधु मन का मान त्याग, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, साधु मन का मान त्याग, दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना हरक शोक ते रहे अतीता, तीन जग तत्व पछाना, साधु मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। जैसे ये चीजें उन्होंने अपने जीवन में उतारी हुई थी इसीलिए वो इतना पसंद करते थे इसको। आज आपने सबने यहां आकर सीमा जी और पूरे परिवार को बड़ी शक्ति दी है इस दुख को सहने की। आसान नहीं है सहने, लेकिन जब हम सब मिलते रहे, सीमा जी से संपर्क बना के रखें, वही एक तरीका होगा कि कुछ उनको उन दिनों के समय का हम आभास दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी यादों को समेटते हुए, अच्छा अच्छा जी, अनु कपूर जी यहाँ पर
आए हुए हैं, मैं देख नहीं पाया, वो बहुत चुपके से आकर पीछे बैठ गए, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द मानिए शिव ओम पुरी जी के पति के लिए करें। To recite an eulogy has always been a very great problem for me. Eulogy कहते हैं किसी के जाने के बाद आप जब आपको कुछ कहना पड़े। अभी आपके पंडित जी ने कहा कैसे हैं आप, आत्मा और परमात्मा की बात का जिक्र किया, आप सबने सुना, मैं भी सुन रहा था। So, I'm not bothered about Atma and Paramatma. I'm bothered about you. Atma कहाँ है, है कि नहीं, it's none of my business. लेकिन मेरी बहन है, इससे मुझे मतलब है। जो चले गए हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े लोगों ने किसी के जाने के बाद जो पोइट्रीज कही हैं, वो हर धर्म के अंदर जो भी, कभी गीता का ज्ञान दिया गया, कभी किसी जगह पर ज्ञान दिया गया, वो असल में जाने के बाद जो जीवित व्यक्ति है उनको जो तकलीफ हुई उस वजह से दिया गया, उसके सांत्वना के लिए, और कुछ बात नहीं है। मुझे मतलब जो है वो मेरी बहन है, मुझे और किसी से मतलब कभी था भी नहीं। एक्चुअली मुझे मेरी बहन से मतलब है, उसके दुखों से मतलब था, उसके सुख से मतलब था, उसकी मुस्कान पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, एक भाई को क्या चाहिए यार, फ्रेंकली स्पीकिंग क्या चाहिए, बहन ठीक रहे, बहन की गृहस्थी ठीक रहे, ठीक है ना। तो अपन सब जो लोग बैठे हुए, अपन, मैं तो मिडिल क्लास का हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, तो वो यही होता है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा ज़रा देख लेना, तो तेरी जो भी ड्यूटी है, तू जो भी कर सके अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने बहनों के लिए, वो ठीक ठाक है, घर का घर बस जाए उसका। सो अपन सब जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी भारत के एक समाज के लोग हैं, तो उनका यही होता है कि घर उसका बस जाए। और मान लो कहीं ऐसा हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो भाई बहनों को तो बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ है, और उस तकलीफ में आप जैसे महानुभाव ने मेरी बहन का साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं आपके उस प्रेम के लिए कि आपने जिस दिन से ये दुर्घटना हुई, उस दिन से आपने मेरी बहन का साथ नहीं छोड़ा। 20 मई 2010 को मेरी माताजी चली गई, 9 अगस्त 1989 को मेरे पिताजी चले गए। तो माताजी जब तक थी तब तक तो ऐसा लगता था, तो मैंने डायरी में लिखा मेरी माँ चली गई, मैं अनाथ हो गया। अब बच्ची, यही बच्ची थी, मेरे से छोटी है ये, दुख दर्द मुझे कहती थी, मैं जितना कर सकता था, मैंने कुछ किया नहीं है। एक्चुअली दूसरे भाई तो मेरी मदर के भाई ने जितना किया, उस मुकाबले तो मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मेरा बस चलता तो मर्डर कर देता मैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया मैं। आई एम सो सॉरी। तो मदर के टाइम पर भी जब गई थी, तो मैंने ये कहा था, वो चली गई, उनका पार्थिव शरीर जो भी हो वो चला गया, लेकिन जो लोग वहां पे थे उनको नतमस्तक मैंने कहा कि देखो, ये आपकी इतने सारे लोग प्रेम और श्रद्धा और आत्मविश्वास आदर के साथ आए, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट प्लीज, आई एम रियली वेरी थैंकफुल, आई सिंसियरली एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड that you really love my sister. एक भाई और क्या कह सकता है, और मैं यही कहूंगा हमेशा। आपने, मैं देख रहा हूं, बहुत सारे चेहरे देख रहा हूं, अगर मैं नाम यहां पे लूंगा तो फिर बहुत सारे लोगों के नाम छूट सकते हैं। मैं देख रहा हूं यहां जो कॉन्स्टेंटली उसका सहारा बने रहे। सो मेरी बहन, आप भी बहुत, एक्चुअली आप बहुत भाग्यशाली हो,
कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे, आप कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हो, ना ही आप अरबपति हो, ना ही किसी ने आपके सामने आपके नाम पे करोड़ों रुपए की दौलत छोड़ी है, लेकिन आपके व्यक्तित्व, आपके प्रेम की वजह से इतने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यही आपकी उपलब्धि है, यही अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि मेरे जब भी मेरा जाना हो, तभी भी हो, कल हो जाए, परसों हो जाए, आई एम डैम कैटेबल, आप जो 5% भी आप लोग आ गए ना, प्यार मोहब्बत से आ गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है, नाचिएगा, जश्न मनाइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, अनुपम ने हमारे कलीग है, आनंद मनाइएगा, छोड़ दीजिए, जो रह गया है उसको तकलीफ है असल में, मेरी बहन को अब तकलीफ ना हो ये चेष्टा करनी है, आप जैसे लोग जब आप जैसे दोस्त और शुभचिंतक होंगे तो दर्द हल्का होगा, डेफिनेटली हल्का होगा, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ना यूलॉजी पढ़ना मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी और विशुद्ध रूप से नास्तिक हूँ, मैं मानता ही नहीं उन सारी चीज़ों को, सारे इन सब चीज़ों से, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, अनूप जी बैठे हुए हैं, इनके साथ काम करता था, मैंने कहा धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। मैं फिर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, आप सबके चरण स्पर्श करता हूँ, ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, सो मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, यहाँ तो बहुत देवियाँ बैठी हुई हैं, और आपके इंडिया में तो कहा जाता है कि हर जो जो बालिका होती है वो भविष्य की संभावित माता है, और आप हिंदू लोग सिखाते भी हैं कि माता केवल पूजनीय होती है, तो यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं सबके चरण स्पर्श करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, परम आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ कि आपने मेरी बहन का साथ दिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले संकट की घड़ियों में भी ये साथ आप उसको देते रहेंगे, मैं हूँ या ना हूँ आपका प्रेम और साथ उसको मिलता रहेगा। जय भारत। अनूप जी और अनु ने जो इमोशंस बयान किए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ है। ओम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और सीमा जी भी हमारे परिवार की एक हिस्सा है। विश्वास नहीं होता लेकिन करना पड़ेगा कि हमारे मित्र हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यादें हैं। कल इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री जो है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स की जो पूरी एसोसिएशन है, वो इस्कॉन में कल ओम जी को याद कर रहे हैं सब साथ में मिलके। तो आपको अगर वक्त होगा तो आप प्लीज़ आइएगा। ये पहली बार उस जैसा गुरु जी ने कहा और अनु ने भी कहा कि हमने इंडस्ट्री में इतने लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन इस शख्स के लिए जो भीड़ जमा हुई है, जो लोग आए हैं, हमने बड़े से बड़े स्टारों के बीच में आते हुए लोगों को नहीं देखा। यही उनकी कमाई थी, यही उनका इंस्पिरेशन था हम लोगों के लिए, और इसलिए हम उसके साथ साथ हैं। अनु जी आपने कहा कि मैं हूँ ना हूँ बहन का ख्याल रखेगा, मुझे लगता है कि ये अनसेड फिलॉसफी है, और ये आपको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, इसलिए हम शुरू से साथ में रहे हैं। दौलत, धन, मकान, बंगले, उन चीज़ों की जिसको लालच है उसको ये पता नहीं शायद कि सब यही रहने वाला है। दौलत जो सीमा जी के पास है और आपके पूरे परिवार के साथ है, एक पढ़ी लिखा कल्चर्ड फैमिली है आपकी, हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हमने सीखा भी है आपकी मदर से, काफ़ी हमने ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो आपके पास, आपके परिवार के पास, सीमा के पास जो धन दौलत है, वो धन दौलत कमाना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपके फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा है, आपके पूर्वज ऐसे रहे हैं, तो वो धन दौलत जो है वो मिट्टी रेती और ईंट जो है वो बैलेंस नहीं कर सकता। हम सब सीमा जी आपके साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं, हम भी परिवार के हिस्सा हैं, जब आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। शुक्रिया।